हेलो एवरीवन, मैं डिवाइन पैमरन आपके लिए ट्विन फ्लेम की करंट एनर्जी, जो कि आपकी भी हो सकती है, आपके पार्टनर की भी हो सकती है। अपने एनर्जी के वाइज देखिए, हो सकता है आप शिफ्ट भी हो, कोई पता नहीं होता कब शिफ्टिंग हो जाए, ठीक है। तो आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा कहूँ तो स्टेप बाय स्टेप हर एक रूल को फॉलो करते चले जा रहे हैं, लेसन लेते चले जा रहे हैं। कहीं ना कहीं इस टाइम जो उनके साथ जिसने जैसा किया उसको सेम वैसा ही वो ट्रीट कर रहे हैं। हो सकता है उन्होंने किसी ने अच्छा किया तो अच्छा दे रहे हैं, अगर बुरा किया है तो बुरा ही उनको सबक सिखा रहे हैं। तो आपके पार्टनर आपके साथ तो कंप्लीशन चाहते हैं, लेकिन न्यू बिगनिंग भी चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो अभी उलझनों में फंसे हैं, थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन आप क्या है कि वो जो भी उनकी लाइफ में बुरे हैं या उनके साथ अच्छा नहीं चल रहा है जिनके साथ भी, तो उन लोगों से तो वो बिल्कुल दूर हो रहे हैं, चाहे वो फैमिली वाले हों, चाहे फ्रेंड सर्कल हो, चाहे कोई भी, कट आउट होते हुए नज़र आ रहे हैं। आप उनकी एक इस तरीके की हालत देख सकते हो, अगर आपको जिनका भी डार्क ऑफ द नाइट सोल वाला टाइम था, आपने उसमें एक चीज़ देखी होगी, जब हम अपने डीएम को या डीएफ को बनाते बनाते थक जाते हैं या हमारा जर्नी से कट आउट होता है, तो हमारा क्या होता है, सुध-बुध हो जाती है। सुध-बुध मतलब अब हमें कपड़े पहनने का सेंस नहीं, इन्जॉय करने का सेंस नहीं, किसी के साथ इन्वॉल्वमेंट अच्छी नहीं लगती, किसी के साथ आना जाना घूमना फिरना सब इस तरीके का हो जाएगा, जैसे सिर्फ दिखावा। दिखावा भी क्या, उनको कपड़े पहनने के सेंस से ही आप गैस कर सकते हैं कि वो दिखावा कर रहे हैं या हैप्पी हैं, अनहैप्पी उनके ऊपर झलक नजर आ जाएगी, ठीक है जी। इस तरीके का उन्होंने अपना बिहेवियर कर लिया है, ना तो उन्हें कपड़े पहनने का सेंस है, ना तो उन्हें कहीं घूमने फिरने का, आपको सिर्फ दिखावा करेंगे, हाँ मैं गया हूँ, लेकिन आप उनके लुक से ही पहचान लेंगे कि वो कितना खुश है और कितना क्या चल रहा है उसकी लाइफ में। इस तरीके का आप उनको गैस कर सकते हैं, बहुत इजी है, ठीक है जी। सिर्फ और सिर्फ लोगों को पब्लिसिटी के लिए दिखाना है कि हाँ मैं हूँ, सिर्फ हूँ, लेकिन उसके पीछे का क्या, मैं कहाँ पर हूँ वो किसी को कुछ नहीं पता, वो कौन सी दुनिया में जा चुके हैं वो किसी को नहीं समझ आ रहा। जो थर्ड पार्टी है वो भी परेशान हो चुकी है उन्हें देख देख के, या फैमिली वाले भी, ये क्या हो रहा है, इसको एकदम से क्या हो गया। हो सकता है आपके पार्टनर का वेट लूज हुआ हो, इस तरीके से उनको खाने पीने का आजकल मन ही नहीं करता है, ना वो टाइम से अपना खाते हैं, ना वो अपने टाइम से कोई भी काम मतलब कि इस तरीके से करते हैं, हाँ जो चल रहा है जैसा चल रहा है वैसा ठीक है, लेकिन उसको एक परफेक्टली जैसे एक सिस्टम के साथ करना होता था वो उस तरीके से बिहेव नहीं कर रहे हैं। उसने कॉल कैरियर जॉब में भी थोड़ा सा इस तरीके से कर रहे होंगे, जैसे पता नहीं सिर्फ काम करना है, किसी से कोई मतलब नहीं है, अपने से मतलब रख रहे हैं, मतलब इस टाइम उन्हें कोई ये नहीं है कि मुझे कोई देख रहा है नहीं देख रहा है, मेरे को किसी को दिखाना है नहीं दिखाना है, अपने में ही मस्त, मतलब मस्त क्या कहूँगी, अपने में ही उलझे हुए, खुश नहीं है आपके बिना। डियर बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, चाहते हैं आपके साथ आगे बढ़ना, अपने आप को चेंज कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, वो बदलते चले जा रहे हैं, जो जो उनको डायरेक्शन मिल रही है उसी डायरेक्शन को फॉलो कर रहे हैं, डिवाइन से कनेक्ट में आ चुके हैं। और डीएफडीएम आज हो सकता है आपको नाइट में आपके बहुत ज़्यादा, हो सकता है कुछ लोगों की कुंडली अवेकनिंग हुई है, ठीक है जी। तो हो सकता है आपको बिल्कुल बिल्कुल फील हुआ आपके बॉडी के अंदर की बहुत ज़्यादा पेन था, बहुत ज़्यादा पेन था, ठीक है, और सुबह तक था इतना पेन था कि कुंडली अवेकनिंग है जो पूरे चक्रास एकदम से खुले हों तो आपको एकदम से पेन वो तय है कि उसकी वजह से आपको बॉडी आपकी फीवर टाइप हो सकता है, आपको लग सकता है कि बॉडी जैसे फीवर में टूटती है, ठीक है, इस टाइप का आपका हो सकता है थ्रॉट बिल्कुल ब्लॉक, ठीक है, बिल्कुल ब्लॉक आपका थ्रॉट हो सकता है, आपके रैशेस पड़ सकते हैं अपने नेक के अंदर, खारिश हो सकती है, ठीक है, खांसी भी हो सकती है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भी ये चीज़ को फील कर रहे हैं और आप भी फील कर सकते हो क्योंकि मिरर कर रहे हो, तो सेम हो सकता है, ठीक है जी। और जिन्होंने भी हीलिंग ली है मैं उनके लिए बात करना चाहूँगी, उनकी लाइफ में बहुत कुछ चेंज उन्होंने देखा है और मुझे उनके मैसेज भी आ रहे हैं, तो मुझे बहुत खुशी है। जो उनके किसी टाइम उनकी एक ब्लॉकेज होती थी वो रिमूव जैसे होती चली जा रही है, तो वो मुझे बहुत पॉजिटिव वे में उनके आंसर आने शुरू हो गए हैं, ठीक है। तो गुड न्यूज़ है, जिनकी भी जो एंसेस्टर हीलिंग और मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो धीरे धीरे लेट गो होती चली जा रही है, और जो इनके एंसेस्टर के साथ भी कर्मा आपका अगर था कि भी अच्छा कर्मा नहीं था या कुछ भी था, आपको जैसे ब्लॉकेज थे तो वो रिमूव होके सपोर्टिव बनते हुए नजर आ रहे हैं, हो सकता है उनकी मुक्ति ही होने वाली हो, इस तरीके से भी
हो सकता है पॉसिबल, लेकिन मुझे जो भी चांस आ रहे हैं इस तरीके से कि आपके इशू सरफेस होके वो लेट गो हो रहे हैं, इसलिए आपको वो दिखाया जाएगा आपके इशू। ठीक है जी, बहुत अच्छी गुड न्यूज़ मुझे आ रही है। और अभी तक की ये थी करंट एनर्जी, जो कि आपके पार्टनर अभी फंसे हुए हैं उलझनों में, आपके लिए पॉजिटिव है, सिर्फ वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छे से ले रहे हैं। और मिरर आप कर सकते हो तो अभी कुंडली अवेकनिंग के चांसेस हैं, तो हो सकता है आपको पेन हो सकता है आपके, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आपके पीछे बैक में आपके बहुत ज़बरदस्त पेन हो सकती है, पूरे बॉडी आपकी लेथार्जी और फीवर टाइप ही फील हो सकता है। और आपको बहुत जल्दी ये पोर्टल डिवाइन करें, आप सबकी ब्लेसिंग पूरी हो, जो भी आप चाहते हो आपका परमानेंट यूनियन सक्सेस हो जाए। मेरी तरफ से सबके लिए पॉजिटिव ब्लेसिंग है, ठीक है जी। और अब तक की थी करंट एनर्जी, और न्यू अपडेट के साथ मैं फिर मिलूंगी। थैंक यू सो मच।